पंजाब में लगातार वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला नाभा का है। नाभा में सर्कुलर रोड पर स्थित भारत गैस में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दो लोग हथियारों के साथ अंदर घुसते हैं और हथियारों के दम पर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दें, तेजधार हथियारों के साथ लैस थे ये दोनों के दोनों, जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था और एक व्यक्ति को उन्होंने डरा कर लूट की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये दोनों युवक जो हथियार लेकर आए, तेजधार हथियार और डंडे वगैरह लेकर आए, उन्होंने इस व्यक्ति को, कर्मचारी जो है भारत गैस का, उसको डराकर साइड पर कर दिया और फिर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भारत गैस की, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इन लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। की हुआ, कितने लाख की लूट हुई है? 2-2.5 लाख रुपए की लूट हुई है। दो बंदे आए, उन्होंने को हथियार सी। एक कोल तां सी राड़ जी, एक कोल सीगा वो गंडासा। अच्छा जी। ते मैं उरे बैठा सीगा चेयर ते आए ते मैं तो चाबी मंगन लग गए दराज की। चाबी लई, दराज चो पैसे कढ़े ते मैनु जांदे होए बाथरूम च कुंडी ला के अपना निकल गए। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਬਸ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8:15 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੈਸ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ। तो सुना आपने किस तरह से पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल आपको दिखाते हैं पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। एक सर्कुलर रोड नाभा से दास भारत गैस एजेंसी है, उसको एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया जो असं मौके पर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह असं चेक कर रहे हैं। पूरे 3 व्यक्ति आए हैं, असी मुकदमा रजिस्टर करके इसकी तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। आए थे मोटरसाइकिल से आए थे जी, वो असं बाकी चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ।